कट्टेगा मान तू। उस दिन क्या बोला तू, 3 दिन में हेरोइन का सैंपल लेकर आओ, नहीं तो तुम दोनों भाइयों की चारों किडनियां निकाल के मार्केट में बेच दूंगा। अरे लेकिन किडनी बेचने का धंधा तो मेरा है। केविन, तू मेरे सारे धंधे ले ले, सारा पैसा ले ले तू। मैं तेरे को शराब का पॉलीफिनल माल्ट का फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे हम मेथ रिफाइन करेंगे, अरबों रुपए कमाएंगे हम उसमें से। सॉरी सारे तू रख ले। अरबों कमाएंगे, मैथमेटिक्स। उस दिन भी तो कुछ ऐसी मैथ्स की बात कर रहा था। हाँ, इस देश में 10 लाख से ज्यादा लोग छरछर गांजा फूंक रहे हैं, मेरा नहीं गवर्नमेंट का आंकड़ा है। अब मैं तुम्हें एक आंकड़ा बताता हूं, इस देश में हर रोज 100 से 150 लोग गायब होते हैं जो कभी मिल नहीं पाते, उसमें से 10 भी मेरे हाथ लग गए ना तो महीने के हो गए 300, साल के 3,500, मतलब 7,000 किडनियां। 4 लाख का भाव पकड़ो तो 280 करोड़। स्किन टिश्यू, स्प्लीन, लिवर, पैनक्रियाज, आंखें, इनका तो हिसाब अलग। मैथमेटिक्स। और उस दिन क्या कर रहा था तू? केविन ये क्या किया? केविन तू ऐसा है, केविन तू वैसा है, केविन केविन केविन। अरे ऐसा मारता है ना तो शॉर्ट सर्किट होता है, समझा? अगर तू उस दिन ये नहीं करता तो शायद आज मैं ये नहीं करता। तेरी दोनों किडनियां निकालूंगा, उन्हें मार्केट में बेचूंगा और तुझे जिंदा रखूंगा। फिर तुझे आके उसका भाव बताऊंगा, फिर तेरी दोनों आंखें निकालूंगा, उन्हें भी मार्केट में बेचूंगा और तुम्हें जिंदा भी रखूंगा। फिर वापस आऊंगा और उसका भाव बताऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा किसका मैथमेटिक्स बेटर है। मान तो घंटे का मान तो। दिस इज कबीर अहलावत। फाइल से हमें अभी तक काफी इंफॉर्मेशन मिली है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से रॉ में डेपुटेशन भेजा। 2000 से लेकर 2006 तक काफी कोवर्ट ऑपरेशन इसकी वजह से सक्सेसफुल रहे, और 2006 से लेकर 2008 तक ये एक स्पेशल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था। बहुत से मिलिट्री ऑनर्स और रॉ में स्पेशल कमेंडेशन मिली है इसे। ले, तेरा गारंटर आ गया। थैंक यू बोल। अबे बोलना, अरे सूद तक नहीं दे पा रहा ये। उसकी ट्रेनिंग एनिमी टेरिटरी में असैसिनेशन, किडनैप और स्पेशल रेड्स के लिए दी जा रही थी। अच्छा, अभी कितना चुका सकते हो? अभी किसको भेजा था? मिस्टेक हुई है तुमसे, लोन देते हैं फोन नहीं बेचते। बताओगे तो मार नहीं खाओगे। अरे पुलिस वाला है तू? एक मिनट। ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री से प्रोग्राम देखने गए एक दो ब्यूरोक्रेट्स शॉक से बेहोश हो गए। बिजनेस है अपना, एक साथ 15-20 मोबाइल लेके जाता है। किडनी विडनी का कुछ धंधा है उसका, बस इतना ही सुना है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2008 में इसका कार एक्सीडेंट हुआ। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसका कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं। बुलेट वुंड्स, कार एक्सीडेंट में गोली कहां से चली? एग्जैक्टली, दूसरे पैसेंजर की तरह उसे सिविल नहीं मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, और मिलिट्री सर्जन के रिकॉर्ड के हिसाब से उसे गोली लगी थी, एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ये आदमी है क्या? हेलो,
कहाँ हो तुम? बॉस ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती, यहाँ आना पड़ेगा। अभी क्या है ना, ये जिम और हेल्थ फूड से नई जिंदगी नहीं मिलती। हम भी देते हैं, ठीक है? अरे तुम आओ तो सही, भेजा कलेजी सब मिलेगा यहाँ पर। पक्का ना? मैंने वो आदमी कहा है बता दिया तो मेरी पर नोट वापस कर दोगे? हाँ, बस इतना बता दो कहाँ है। हाँ, बता दूंगा। वो दरवाजे से आया, पूरा ऑफिस तोड़ा, मेरे आदमी को बाहर फेंका। वो देखो, वो घर भी उसका है। इधर इधर मारा, देखो चाकू से। हेलो सर, सर इनको भी बहुत ठोका है। विजु नाम के किसी ऑर्गन ट्रेडर के पास गया है और दोनों फोन की लोकेशन सिटी क्लब है। फर्स्ट टाइम है यहाँ पर? सॉलिड लड़की है यहाँ पे, हॉट, इंडियन, फॉरेन। लेकिन आजकल रेड बहुत पड़ती है, कभी पुलिस कभी एएनसी। मुझे तो सुबह से ही डर लग रहा है। तुझे पोस्टमन फाटल्यान हुआ वर्ड्स मोरे फोदिया। बॉस, क्या यार? वो कस्टमर आया। आ रहा हूं। हाँ, बोलो उसको। आ रहे हैं सर। कॉन्स्टिपेशन साला, बाथरूम ही ऑफिस बन गया। बीवी है तेरी? देख, मैटर रोमांटिक है तो डिस्काउंट मिलेगा तुझे। पसीना क्यों आ रहा है तुझे? टेंशन मत ले, चलिए अपने। हेलो, बाथरूम में कोई है साथ में? हाँ। कौन? दोस्त। कौन दोस्त? कौन है? किसे बात करनी है? गलती सिर्फ एक ही बार माफ करता हूं। नयमी कहाँ है? किसको भेजा? कार्ल आंटी। कार्ल आंटी कौन है? केविन और लूक को पता है, उनके कस्टमर है। चुप।
लिफ्ट में तो तूने मेरी फाड़ी दी थी हैंडसम, लेकिन तुझे तो जेल में होना चाहिए ना। नायोमी के माँ को क्यों मारा? उसे तो तूने मारा। डिलीवरी करने को अग्री कर गया तू? अगल बगल में देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। नायोमी के साथ भी यही किया? नहीं, क्या है उसके बॉडी के पार्ट अब तक पके नहीं है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। लेकिन आंखें, आंखों की कोई उम्र नहीं होती। उसे बेच के हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। मेरी एक छोटी सी डिमांड है बस, तू 5 साल के लिए अंदर चला जा, और क्या पता 5 साल बाद जब तू बाहर आएगा तो शायद सामने उसे ही खड़ी पाएगा। कल की बात करने वाला कल नहीं मरता, कल की बात करने वाला कल नहीं रहता, कल की बात करने वाला आज मरता है। सिर्फ आज का सोचने वाले के हाथों, और मैं आज की भी नहीं सिर्फ अभी की सोचता हूं। और तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है वो तुझे तेरी सजा बताएगी। क्या?